आज हम लोग देखेंगे 1 लीटर TSI इंजन सलाविया कुसाक रैपिड 1 लीटर जो इंजन आता है उसका टाइमिंग बेल्ट रिप्लेस करने का, इसका पूरा जानकारी आपको देते हैं हम। सबसे पहले तो हमको इसका बेल्ट खोलने के लिए हमको ये केम को कभी गलती से भी ये केम नहीं खोलना, हमको केम नहीं खोलना है, ये केम का बोल्ट नहीं खोलना है, हमको केम का बोल्ट हमको नहीं खोलना है। और हम इसका मार्क दिखाते हैं कहाँ कहाँ इसका मार्क है और कहाँ कहाँ पे लॉक होता है। इसका क्रैंक लॉक होता है यहाँ पे, क्रैंक लॉक होता है यहाँ पे, लेकिन मेरे पास स्क्रू टूथ नहीं है, आपके पास भी नहीं होगा, लोकल में अगर आप काम कर रहे हैं तो। यहाँ पे सर क्रैंक लॉक होता है और केम लॉक होता है यहाँ पे, देख सकते हैं केम लॉक यहाँ पे होता है। केम लॉक यहाँ पे होता है, यहाँ पे केम लॉक होता है, यहाँ पे केम लॉक होता है। इसका केम लॉक का टूल इस टाइप का आता है, ये इसका टूल्स नहीं है लेकिन आपको दिखा रहे हैं, ये केम लॉक का टूल इस टाइप का आता है। हम लोग बिना इसको लॉक किए हुए इसका टाइमिंग करते हैं, बेल्ट चेंज करते हैं, आपको दिखाते हैं कि कितना ईजिली होता है। तो हमको सबसे पहले इसका TDC जानना है कि TDC में है कि नहीं है, तो TDC जानने के लिए हमको इसका स्पार्क प्लग खोलना है एक नंबर का और हमको देखना है कि TDC में है कि नहीं है। तो पेचकस के द्वारा हम इसको देखते हैं TDC में है कि नहीं है। तो हम TDC में कर रहे हैं, सीधा घुमा, ठीक है घुमा, बस 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 ज़्यादा हुआ, देख सकते हैं अभी मेरा TDC में आ गया है, ये मेरा TDC में आ गया है, इसका पिस्टन भी दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर भी एक मार्क है मेरा, यहाँ पे एक मार्क है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी एक मार्क है। और केम का मेरा यहाँ पे है, तो हम फिर से बोल रहे हैं कि ये केम को गलती से भी हमको नहीं खोलना है, अगर हम कहीं और काम कर रहे हैं जो केम को गलती से भी हमको नहीं खोलना है, केम खोलेंगे फिर मेरा टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ मेरा 30 नंबर रिंग लग जाता है, स्पेशल टूल्स अगर आपके पास नहीं है तो ये स्पेशल बना सकते हैं, ये 30 नंबर रिंग यहाँ पर लग जाता है। इसको अच्छा सिस्टम है, तो बेल्ट लगाने के लिए हमको यहाँ पे देख लीजिए क्रैंक मेरा दागी है, TDC में मेरा है और मेरा केम का एक दागी यहाँ पे है, तो इसका सीधे से आ जाएगा, यह मार्क है इसका, ये आपको दिख रहा होगा। और एक यहाँ पे है, यहाँ पे दो है क्योंकि ये बीच में रहता है, बीच में रहता है, ये दो दागी है, यानी इंटेक साइड का केम में दो दागी है और एक जो साइड केम में एक दागी है, और यहाँ पे मैच बीच में दोनों दागी मैच करना चाहिए। हम लोग बेल्ट इसका लगाते हैं, तो बेल्ट लगाने के लिए हमको सबसे पहले इसे लगाना है, तो हम नीचे से इसका बेल्ट लगा रहे हैं। तो ये मेरा सेम पोजीशन में है, यहाँ भी सेम पोजीशन में है और यहाँ भी है, और ये भी मेरा TDC में है, बस बस बस। तो मेरा बेल्ट लेके तैयार हो गया, इसको टाइट करते हैं, हम लोग बेल्ट लगाएंगे तो यहाँ पे ये दागी अब दिख रहा होगा, ये दोनों दागी मैच करेगा, बेल्ट के टाइट हो जाएगा, प्रॉपर टाइट हो जाएगा, जितना होना चाहिए उतना टाइट हो जाएगा बेल्ट। ये मेरा TDC में है और केम भी मेरा सही जगह पे है, यहाँ पे इसका सीधा आप देख सकते हैं, इसका सीधा में दोनों है और ये एक दागी यहाँ पे है, एक दागी यहाँ पे है इसका सीधा में, और ये दोनों परफेक्ट है। तो मेरा टाइमिंग ओके है, थैंक यू।